हेलो, इस वीडियो में हम पाई चार्ट्स बनाना सीखेंगे पाइथन में और कैसे हम पाई चार्ट से रिलेटेड सब क्वेश्चंस और प्रोग्राम को आंसर कर सकें। पाई चार्ट बनाने के लिए हम पाई प्लॉट मॉड्यूल यूज़ करते हैं जो मैथ प्लॉट लिब लाइब्रेरी में होता है। तो पहला सवाल ये है कि मैथ प्लॉट लिब क्या है। मैथ प्लॉट लिब पाइथन की एक लाइब्रेरी है जिससे हम स्टैटिक, एनिमेटेड और इंटरैक्टिव 2D विजुलाइजेशन बना सकें। इस लाइब्रेरी को यूज़ करके हम अलग अलग तरह के विजुअल एलिमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि चार्ट्स, ग्राफ्स, मैप, जो हमें हेल्प करते हैं डेटा एनालिसिस में, जैसे कि पैटर्न या ट्रेंड आदि को ढूंढना। अब यह लाइब्रेरी बहुत बड़ी है। मैथ प्लॉट लिब के अंदर एक पाई प्लॉट मॉड्यूल है जिसमें कई मेथड्स हैं जिनको यूज़ करके हम 2D प्लॉट आसानी से बना सकते हैं। यह बिल्कुल मैथवर्क्स के मैटलैब सॉफ्टवेयर के जैसे काम करती है। अब अगला सवाल ये है कि पाई चार्ट क्या है। पाई चार्ट एक तरह का ग्राफ है जिसमें एक वृत्त या सर्कल के सेक्टर्स या भाग किए जाते हैं, जिसमें हर सेक्टर प्रोपोर्शनल वैल्यू या प्रतिशत मान को दिखाता है। अब देखते हैं पाई चार्ट के प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस में टिपिकली आपको अलग अलग फॉर्मेटिंग करने को कहा जाता है, जैसे कि लेबल्स ऐड करना, परसेंटेजेस ऐड करना या ग्राफ को एक्सप्लोड करना आदि। चलिए कुछ सवालों को देखते हैं और हम कैसे उनका प्रोग्राम लिखेंगे। पहला सवाल है जिसमें आपको एक टेबल दिया गया है जिसमें ग्रेड्स हैं और क्लास के कितने स्टूडेंट्स को वो ग्रेड मिला है। जैसा आप देख सकते हैं, हमें इसमें लेबल डालना है, परसेंटेजेस डालने हैं और ग्राफ को एक्सप्लोड करना है। अब हम देखते हैं कि हम इसका जवाब कैसे लिखेंगे। जैसे हमने पहले बात की कि पाई चार्ट बनाने के लिए हम पाई प्लॉट मॉड्यूल को यूज़ करते हैं, तो सबसे पहले हम इसको प्रोग्राम में इम्पोर्ट करेंगे। अब हम पाई चार्ट बनाने के सिंटैक्स को देखेंगे। आप देखेंगे कि इसे बनाने के लिए कम से कम इसमें आपको एक सीक्वेंस ऑफ नंबर्स पास करना ज़रूरी है जिसे ये प्लॉट कर सके। तो हमारे प्रोग्राम में हम इस स्टूडेंट डेटा का सीक्वेंस ऐड करेंगे और इसे पाई फंक्शन में पास करेंगे। पाई फंक्शन को कॉल करने के बाद फिर शो फंक्शन को कॉल करना ज़रूरी है। यह पाई चार्ट को डिस्प्ले करता है। अब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे और आप देखेंगे कि एक बेसिक पाई चार्ट रेडी है। अब हम इसमें एक एक करके फॉर्मेटिंग डालेंगे जो क्वेश्चन में दिया गया है। अगर आप सिंटैक्स देखें तो आप देखेंगे कि इसमें आप एक सीक्वेंस और ऐड कर सकते हैं लेबल्स डालने के लिए। तो अब हम एक लिस्ट बनाएंगे लेबल्स के लिए और इस लिस्ट को पाई कमांड में ऐड कर देंगे। अगली फॉर्मेटिंग ऑप्शन है कि हम उस ग्रेड की पाई को एक्सप्लोड करें जिसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं। अगर हम स्टूडेंट डेटा को देखें तो ग्रेड सी के मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं और यह भी नोट करें कि सी ग्रेड तीसरे पोजीशन पे है। अब वापस पाई फंक्शन का सिंटैक्स देखें। यह एक सीक्वेंस एक्सप्लोड के लिए भी लेता है, पर इस सीक्वेंस में हम क्या डालें। पहली चीज़ आपको यह ध्यान रखनी है कि आपके जितने डेटा पॉइंट्स हैं ये सीक्वेंस उतनी लंबी होनी चाहिए। अगर हम इसमें ज़ीरो डालते हैं तो इसका मतलब है सब पाई सेम लेंथ की है। अगर हम इसमें फ्रैक्शनल वैल्यू डालते हैं तो जिस पाई को हमें एक्सप्लोड करना होता है उतने परसेंट वह रेडियस से दूर हो जाती है। आप देखेंगे इसमें हमने इसे थर्ड पोजिशन में डाला है क्योंकि सी ग्रेड तीसरे पोजीशन पर था। इस सीक्वेंस को भी हम पाई फंक्शन में डाल देंगे। अगली फॉर्मेटिंग जो हमें डालनी है वो है परसेंटेजेस। इसमें पॉजिटिव बात ये है कि पाइथन अपने आप परसेंटेजेस कैलकुलेट करता है और हमें कैलकुलेशन करने की चिंता नहीं करनी पड़ती। हमें सिर्फ इतना बताना है कि परसेंटेज को किस फॉर्मेट में डिस्प्ले किया जाए। इसे हम ऑटो पीसी आर्गुमेंट में स्पेसिफाई करते हैं। अब हम देखेंगे कि इसे हम कैसे लिखें। ऑटो पीसी का फॉर्मेट परसेंट से शुरू होता है
जो यह बताता है कि यह एक स्पेशल स्ट्रिंग है। तो सबसे पहले हम इसे डालेंगे, फिर हम डालते हैं कि हमें डेसिमल पॉइंट के पहले कितने डिजिट्स चाहिए, जो ज़्यादातर दो ही होता है। फिर हम डेसिमल पॉइंट डालेंगे और डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स डिस्प्ले होंगे वो डालेंगे। हमारे क्वेश्चन में एक है तो हम एक डालेंगे। अगला है टाइप, जो है डी इंटीजर के लिए और एफ फ्लोट के लिए। क्योंकि हमारे क्वेश्चन में डेसिमल या फ्लोटिंग नंबर है तो हम एफ डालेंगे। सबसे आखिर में अगर हमें परसेंटेज साइन को स्क्रीन पर डालना है तो हम परसेंट डालेंगे। क्योंकि परसेंट स्पेशल कैरेक्टर है, हमें इसे दो बार डालना पड़ता है। अब अगर हम इस प्रोग्राम को रन करें तो हमें क्वेश्चन के मुताबिक ग्राफ दिखेगा। इसके अलावा क्वेश्चन में हमसे चार्ट के लिए स्पेसिफिक कलर्स भी पूछे जा सकते हैं। इसके लिए हम एक और सीक्वेंस क्रिएट करेंगे, जिसमें हम ध्यान रखेंगे कि सीक्वेंस का साइज स्टूडेंट डेटा जितना होना चाहिए और उसमें हम अपने क्वेश्चन के मुताबिक कलर्स ऐड करेंगे। फिर हम इस सीक्वेंस को भी पाई फंक्शन में ऐड कर देंगे कलर्स आर्गुमेंट में। पाई चार्ट में हम और भी चार्ट एलिमेंट्स डाल सकते हैं, जैसे कि टाइटल, लेजेंड्स आदि। हम इनको हमारे अगले वीडियो लाइन चार्ट्स के साथ कवर करेंगे, क्योंकि यह दोनों में सेम है। अगर आप पाई चार्ट्स के और प्रोग्राम सॉल्व करना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट simplycoding.in पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। गुड बाय एंड गुड लक।